Good morning, dear students. Myself, Tendulkar, your computer teacher. Welcome back to our class. As we have done one revision one, today we are going to do next revision. I hope कि आपने आगे का revision भी किया होगा. Now it is revision two. So today we are going to do true or false. ये true or false आपको two times notebook में लिखना है. ओके, अगेन वी डू रिविजन ऑल्सो, बट ये हम ट्रू और फॉल्स करेंगे. आपको ये टू टाइम्स नोटबुक में लिखना है. नो मोर क्वेश्चंस अबाउट इट. ओके, सो एंड थ्रू वॉचिंग अ वीडियो यू हैव टू राइट दिस ट्रू फॉल्स. ओके, सो फर्स्ट देर आर 18 डिफरेंट शेप्स अवेलेबल इन द सब टूल बॉक्स ऑफ अ शेप टूल. What it is saying in this sentence कि there are 18 different shapes available in sub tool box. Sub tool box जो है उसमें 18 shapes है. It is false. Now two, we have no option to choose a picture as starting background new file. What it is saying कि हमारे पास कोई option नहीं होता है background के लिए, but we have so many options to select a background. So it is false. Now next sentence. The real rainbow effect draw a similar kind of rainbow which we see in the sky. So it is true कि जो रेयर रेनबो इफेक्ट है वो सिमिलर जैसे रेनबो हमको स्काई में दिखता है वैसे ही कलर्स उसमें है. तो इट इज ट्रू. नाउ द नेक्स्ट वन, द नॉइज इफेक्ट एड्स वाइट नॉइज टू अवर पिक्चर विच लुक्स सिमिलर टू नॉइज इन टीवी. सो इफ यू हैव नोटिस कि जब हम नॉइज इफेक्ट करते हैं इट इज सिमिलर लाइक टीवी में जैसे नॉइज इफेक्ट आते हैं सेम लाइक दैट. सो इट इज ट्रू. नाउ नंबर फाइव, वी कैन ओनली ड्रॉ ग्रीन कलर ग्रास यूजिंग द ग्रास इफेक्ट. इट इज ट्रू. इफ यू हैव सेलेक्टेड अनदर वन ना स्टिल ग्रास शुड बी द ग्रीन ओनली. ओके, नाउ the edges effect differentiates the edges the rest of the picture. It is true. Okay students, ये हमने textbook में लिखा ही है और फिर भी अगर आपको doubt है तो you can watch a video. Now next, shortcut key to close the document is control C. So जब भी हमको डॉक्यूमेंट क्लोज करना है तो हम कंट्रोल सी करते हैं. नो, सो इट इज फॉल्स. नाउ नंबर टू, द सेव कमांड इज यूज टू सेव अ डॉक्यूमेंट फॉर अ फ्यूचर यूज. राइट, बिकॉज वी हैव टू सेव अ फाइल आफ्टर कंप्लीट अवर वर्क. सो इट इज ट्रू. टू ओपन एन ऑलरेडी सेव्ड वर्ड डॉक्यूमेंट क्लिक ऑन न्यू ऑप्शन इन द ऑफिस बटन. अगर हमको सेव्ड फाइल है वो ओपन करनी है तो हम न्यू बटन पे क्लिक करेंगे. नो, वी हैव टू क्लिक ऑन ओपन बटन. तो दिस सेंटेंस इज ऑल्सो फॉल्स. नाउ नंबर फोर, यू कैन सेलेक्ट अ सेंटेंस बाय होल्डिंग डाउन द शिफ्ट की एंड क्लिकिंग एनीवेयर ऑन द सेंटेंस. व्हाट इट इज सीइंग कि इफ हमको सेंटेंस सिलेक्ट करना है तो वी हैव टू प्रेस शिफ्ट की एंड क्लिकिंग एनीवेयर. नो, हमको लाइन की बिगिनिंग में ये करना है, बट इट इज फॉल्स. नाउ टू सेलेक्ट अ पैराग्राफ, डबल क्लिक एनीवेयर इन द पैराग्राफ. नो, सी ये जो सेलेक्ट का मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, पर्टिकुलरली आपको कोई जगह पे प्लेस करते हो तो ही ये होता है. जैसे लाइन की बिगिनिंग में करते तो पूरी लाइन सेलेक्ट होती है लाइक दैट, तो ये फॉल्स है. एनीवेयर क्लिक करने से नहीं होगा. नाउ बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड एडजस्ट द टेक्स्ट इन द डबल लाइन स्पेसिंग. बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग इज सिंगल अलाइन. इट इज फॉल्स. जस्टिफाइड अलाइनमेंट मीन्स दैट द टेक्स्ट इज अलाइन विद द लेफ्ट मार्जिन. इट इज फॉल्स. देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट, लेफ्ट राइट सेंटर एंड जस्टिफाई. वट इट इज सेइंग ओवर हियर कि टेक्स्ट इज अलाइंड लेफ्ट, सो इट इज फॉर
लेफ्ट अलाइनमेंट. सो यहाँ पे जस्टिफाई लिखा है, तो ये सेंटेंस क्या होगा? फॉल्स. वी कैन अप्लाई बुलेट्स बाय सेलेक्टिंग द बुलेट्स बटन. इट इज राइट कि व्हेन वी पुट अ बुलेट्स बिगिनिंग ऑफ अ लाइन तो वी हैव टू अप्लाई बुलेट्स फ्रॉम होम टैब. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन. द बोल्ड बटन इन द फॉन्ट ग्रुप इज यूज टू डिस्प्ले द टेक्स्ट darker than the rest of the text. It is also true. Bold is means what? Ki whatever the normal text on monitor, so wo little bit darker than the regular one. So it is true. Now next, we can change the alignment by clicking on the insert tab. क्या हमको अलाइनमेंट चेंज करने के लिए इंसर्ट टैब सिलेक्ट करना रहता है? नो, इट इज फॉल्स. नेक्स्ट सेंटेंस, वी कैन अंडरलाइन अ वर्ड और अ सेंटेंस अलोंग विद स्पेसिंग. सी यहां पे क्या लिखा है कि वी कैन अंडरलाइन अ वर्ड और अ सेंटेंस अलोंग विद स्पेसिंग. सो इट इज फॉल्स. Number one, print command not be used for doing calculations. See, whatever we want to print on the screen, so we have to use print command. So it is false. Now number two, we must leave a space between print primitive and numbers. See, whenever we give print command and numbers, so we have to leave a space. So it is true. Now number three, remainder functions in logo divides the first input number by the second number and gives quotient. So यहाँ पे लिखा है कि remainder function क्या करता है? Divides the first input by the second number. So it is false. Now home command returns the turtle to its origin, that is the center of the screen. It is true कि whenever we give home command, turtle should be at the center of the screen. So it is true. I hope all of you understood each and everything. So if you have any query, you can feel free to ask me. So we'll continue in next video. So till then, stay safe, stay healthy. Goodbye, children.